हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी हमेशा किसी न किसी वजह के चलते सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। लेकिन इस बार सपना चौधरी कानूनी पचड़े में फंसी हैं। सिंगर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपना पर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल सपना को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो दी हुई तारीख पर नहीं पहुंची। दिल्ली की 30,000 कोर्ट की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को सपना चौधरी के कोर्ट में पेश ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी यानी कि सपना चौधरी की ओर से लास्ट सुनवाई पर पेशी से छूट मांगी गई थी। सपना मंगलवार को भी पेश नहीं हुई। सपना को फोन करने के बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी किया जाता है। पूरे मामले की बात करें तो पवन चावला नाम के शख्स ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए ये कहा था कि सपना चौधरी ने उनसे पैसों की धोखाधड़ी की थी। पवन की ही शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2021 में FIR दर्ज की थी। सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने पवन से बिजनेस के बहाने पैसे लिए थे, लेकिन उन्होंने और उनके परिवारों ने इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया। इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 28 मई 2024 को कोर्ट ने IPC की धारा 420 और धारा 406 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था, लेकिन भेजे हुए समन के बावजूद भी सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी साल 2018 में उन पर एक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। 13 अक्टूबर 2018 को सपना के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में FIR दर्ज हुई थी। उन पर आरोप था कि वो पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम में परफॉर्म करने नहीं पहुंची थी। इस इवेंट में लोगों को 300 रुपए का टिकट बेचा गया था, और जब सपना चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो दर्शकों ने काफी हंगामा किया था। मामले में शिकायत दर्ज हुई तो इसके बाद सपना चौधरी ने 10 मई 2022 को सरेंडर किया था, और इसी के साथ अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 Digital पर।